हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और एक नया प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करने वाले हैं। डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। एक प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का हेल्प लेके हम लोग एक लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइन करेंगे। तो कोई भी प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करने से पहले हम लोगों को उसका थ्योरी के बारे में पता होना जरूरी होता है। तो हम लोग पहले उसका थ्योरी को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उस प्रैक्टिकल्स को ओ लैब में परफॉर्म करेंगे। फिजिकली भी अगर हम लोग परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए थ्योरी को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, और प्रैक्टिकल्स के ऊपर जो हाइवा का क्वेश्चंस पूछा जाता है उसके लिए भी थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, कोई भी लेंस है, तो इसका दो फंडा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई पैरेलल रे आके किसी भी लेंस के ऊपर गिरता है तो वो फोकस के थ्रू जाता है। अगर कोई पैरेलल रे आके यहाँ पे गिरता है ऐसे, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो इसके फोकस के थ्रू जाता है, ये एक फंडा है। और दूसरा चीज़ है, अगर कोई फोकस से जाता है तो वो कहाँ पे हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। अगर कोई पैरेलल रे आएगा तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस के थ्रू जाएगा। और दूसरे तरीके से क्या हो रहा है, अगर फोकस के थ्रू जा रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। ये दो चीज़ हम लोग को अच्छे से ध्यान में रखना होगा। तो कोई भी लेंस, जैसे कि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम लोग फोकस में कोई भी ऑब्जेक्ट रखे तो वहाँ पे जो रे निकलेगा वो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर हम लोग एक मिरर का हेल्प लेंगे, हम लोग अगर थोड़ा सा मिरर का हेल्प लेंगे, मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ए फोकस है, फोकस में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से कोई रे जाएगा तो यहाँ से वो पैरेलल हो जाएगा ऐसे। ठीक है, पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, वो जहाँ से कुछ रे निकल रहा है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग दो रे को लेते हैं, एटलीस्ट टू रे वी मस्ट टेक। एक रे यहाँ पे जाके पैरेलल हो जाएगा और ये पैरेलल हो जाएगा क्योंकि वो फोकस में रखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे प्लेन मिरर रख देता है, इसे करीब में ऐसे एक प्लेन मिरर रख देते हैं, प्लेन मिरर, तो क्या होगा, ये जो रे है यहाँ पे स्ट्राइक होगा, यहाँ पे स्ट्राइक होगा जो कि परपेंडिकुलरली स्ट्राइक हो रहा है प्लेन मिरर में, तो वो क्या होगा, फिर वापस आ जाएगा। और वापस आने के वक्त वो रे क्या होगा, एज ए पैरेलल आके गिर रहा है, तो वो वापस क्या होगा, यहाँ पे ही मीट होगा, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहाँ पे ही इमेज बनेगा। इसको हम लोग और डिटेल्स में समझते हैं, थोड़ा सा दूर में रखते हैं मिरर को। अगर एक बॉडी को, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फोकस में रखते हैं तो वहाँ पे जो रे निकलेगा वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। ये रूल है कि फोकस से अगर कोई रे जाता है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाता है। और एक रूल है कि अगर पैरेलल आके गिरता है तो वो फोकस में जाता है, तो जाने के वक्त ऐसे पैरेलल होके गिरेगा, और ये प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर में जब गिरेगा तो वो क्या होगा, वापस इधर ही आएगा परपेंडिकुलरली, और वो वापस आके अब ये और ए रे जा आके गिरेगा इधर से, तो वो क्या होगा, फिर फोकस में जाएगा, फोकस के थ्रू जाएगा, मतलब इसका इमेज भी यहाँ पे फॉर्म होगा, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहाँ पे ही इमेज फॉर्म होगा। कौन से केस में, इस केस में। तो अगर हम लोग एक लेंस और मिरर कॉम्बिनेशंस, एक लेंस मिरर कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एक लेंस और एक मिरर, इन दोनों मिला के कॉम्बिनेशन हम लोग बनाते हैं, और लेंस की फोकस में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसी जगह पे इमेज फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, हम लोग देख लिए हैं। इसी को हम लोग यूज़ करके एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड डाल सकते हैं। सेकेंड केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेंस है और ये जो मिरर है इसके बीच में यहाँ पर हम लोग कुछ लिक्विड डाल देंगे, जो कि क्या है, प्लेनो कॉन्केव लेंस है, ये वाला लेंस, वाटर का एक लेंस है
प्लेनो कॉन्केव लेंस, और ये दो मिला के एक लेंस हुआ, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हो गया, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब क्या होगा, अब अगर इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा वाटर डाल देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। पहले इस लेंस का जितना फोकल लेंथ था, आप कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ अलग हो जाएगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस में रखना पड़ेगा तभी जाके इमेज बनेगा। तो अभी जो पोजीशन में रखा हुआ है वो इसका फोकस में रखा था, इसीलिए ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह पे आ रहा था। नेक्स्ट टाइम में जब हम लोग यहाँ पे लिक्विड डाल दिया तो इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ चेंज हो गया, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज एक जगह पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो पिछले वाला फोकस में रखा था। नया वाला फोकस कौन सा होगा, नया वाला फोकस को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को पोजीशन को हम लोग इधर उधर करेंगे, चेंज करेंगे। कब तक चेंज करेंगे, जब तक ना ऑब्जेक्ट और इमेज एक जगह पे आ जाए। जब ऑब्जेक्ट और इमेज एक जगह पे आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो अब फोकस में रखा हुआ है, किसका, कॉम्बिनेशन का। तो फोकल लेंथ हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ऐसे भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को लेंस और मिरर कॉम्बिनेशन में रखेंगे और हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन अलग अलग करेंगे और देखेंगे कि ऑब्जेक्ट इमेज एक जगह पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जब ऑब्जेक्ट और इमेज एक जगह पे आ जाएगा उसका मतलब हम लोग एग्जैक्टली फोकस में ऑब्जेक्ट को रखे हैं, ठीक है। तो हम लोग दो केस करेंगे, एक बार सिंपल कॉन्वेक्स लेंस लेके करेंगे, उसका फोकल लेंथ निकालेंगे इस मेथड में, और सेकेंड टाइम में हम लोग इस कॉम्बिनेशन को लेके फोकल लेंथ निकालेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो हम लोग समझने के लिए ऐसे पिक्चर को ड्रॉ किया, लेकिन फिजिकली क्या होता है, फिजिकली पिक्चर्स थोड़ा सा अलग होता है। तो उस फिजिकली पिक्चर्स को जो एक्सपेरिमेंट में होता है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सो जो एक्सपेरिमेंट में जो सिचुएशन रहता है दैट इज डिनोटेड बाय द पिक्चर्स, ओके। इस तरीके का एक सिस्टम होता है जहाँ पे एक नीचे प्लेन मिरर रखा हुआ रहता है और उसके ऊपर रखा रहते हैं एक लेंस, ओके। और ऊपर में एक ऑब्जेक्ट रखा रहता है, ऐसा नीडल रहता है जिसके इमेज हम लोग ऊपर से देखते हैं और हम लोग इसका पोजीशन चेंज करते हैं अनटिल द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड ईच अदर्स। जब दोनों कोइंसाइड हो जाता है तो हम लोगों को इस डिस्टेंस को पता करना होता है और वहाँ से ही पता हो जाता है कि इसका फोकल लेंथ क्या है इस लेंस का। तो यहाँ से हम लोग इस लेंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। इसका फोकल लेंथ हम लोग मान लेते हैं F1 है, ठीक है। और सेकेंड केस में जब हम लोग यहाँ पे लिक्विड डाल देंगे, थोड़ा सा लिक्विड रख के उसके ऊपर लेंस को रखेंगे तो यहाँ पे एक लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड फॉर्मेशन हो जाएगा इसके अंदर। तो इस कॉम्बिनेशन का, इस लेंस और एक लिक्विड लेंस का एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मान लेते हैं उसका फोकल लेंथ कैपिटल F है, जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकेंड टाइम में भी हम लोग सिमिलर वे में इसका पोजीशन चेंज करके दोनों को कोइंसाइड करेंगे और फोकल लेंथ पता करेंगे। तो हम लोगों के पास स्मॉल F1 पता है, सिंगल इस लेंस का पता है, और पूरा कॉम्बिनेशन का पता है F। तो अगर हम लोग सिंगल लेंस का पता है, पूरा कॉम्बिनेशन का पता है, तो हम लोग इस वाटर लेंस का पता कर सकते हैं। कैसे, हम लोगों को पता है कि कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होता है, 1/कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/F1 + 1/F2। तो यहाँ से क्या होगा, 1/F2, मतलब इसका जो अगर F2 होता है मान लेते तो क्या होगा, 1/F - 1/F1, मतलब F F1 F1 - F, मतलब यहाँ से F2 आ जाएगा, F F1 / F1 - F। यहाँ से F2 हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो F2 यहाँ पे मिल गया है, हम लोग इसको कैलकुलेट किए और कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट किए और फॉर्मूला के सहारे हम लोग सिंगल इस लेंस का भी कैलकुलेट कर लिए। अब ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इसका फोकल लेंथ जो होगा वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, लेंस मेकर फार्मूला से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि लेंस मेकर फार्मूला जो होता है कि 1/F इज इक्वल्स टू μ2/μ1 -1 × 1/R1 - 1/R2, ओके। तो यहाँ से F की जगह हम लोग क्या डालेंगे, F की जगह डालेंगे F2 फोकल लेंथ। μ2 मतलब यहाँ पे वाटर लेंस है तो मटेरियल, जो लेंस का मटेरियल है वो क्या है, वाटर है। तो यहाँ पे डालेंगे म्यू वाटर, किस मीडियम में रखा हुआ है, ER मीडियम में, μER -1, वो तो 1 होगा, 1/R1। R1 का वैल्यू क्या डालेंगे, यहाँ R1 का वैल्यू क्या होगा, कुछ एक वैल्यू होगा, R होगा, इसका सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर है इधर नेगेटिव, तो ये क्या होगा, -1/R, और ये क्या होगा, इन्फिनिटी। इसका फोकल लेंथ क्या होता है प्लेन का, इन्फिनिटी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, म्यू वाटर का हम लोग निकालना है, म्यू यार का 1 है
तो म्यू माइनस वन बाई आर इज इक्वल्स टू वन बाई एफ टू, माइनस साइन यहाँ पे आएगा, हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग मॉड वैल्यू लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एफ टू का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एफ टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर बाई म्यू माइनस वन, लेंस मेकर फॉर्मूला से। और एफ टू का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, तो अगर हम लोग यहाँ से म्यू डब्ल्यू माइनस वन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, आर बाई एफ टू, सो म्यू डब्ल्यू हो जाएगा वन प्लस आर बाई एफ टू। एफ टू का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू हम लोग को पहले से ही पता होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू कैसे पता होगा, क्योंकि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इस लेंस का भी होगा, उसके साथ टच किया हुआ है, तो लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग पता कर लेंगे और उसको यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे इसका फोकल लेंथ डालेंगे और यहाँ पे वन प्लस कर देंगे, तो वहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आ जाएगा। कोई भी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग वाटर लेके काम कर रहे हैं इसीलिए। और इसका जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, लगभग 1.33 होता है, 4/3 होता है एग्जैक्टली, तो इतना आना चाहिए, थोड़ा सा कम ज़्यादा आ सकता है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। सो लेट अस समराइज द होल थिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस प्रिंसिपल को काम में लगा रहे हैं कि फोकस में अगर एक ऑब्जेक्ट को रखे, किसके फोकस में, एक लेंस के फोकस में, तो वो क्या हो जाता है, उससे निकलने वाला रे पैरेलल हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मिरर भी रख दे रहे हैं, तो मिरर में क्या होगा, वो डायरेक्टली परपेंडिकुलरली स्ट्राइक होगा और फिर वापस उसी लाइन फॉलो करके वहाँ पे ही एक इमेज फॉर्मेशन होगा। तो अगर हम लोग लेंस मिरर कॉम्बिनेशन को रखें और एक ऑब्जेक्ट को लेंस का फोकस में रखें तो ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही पोजिशन में आता है, इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहले हम लोग सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालेंगे, उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस को एक लिक्विड के ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे, तो लिक्विड कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन बनेगा, उसका फोकल लेंथ निकाल लेंगे, और हम लोग फॉर्मूला यूज़ करके इस जो लेंस बना है, ये जो छोटा लेंस, ये वाटर लेंस, इसका फॉर्मूला हम लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, और लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ करके आसानी से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी लिक्विड विद द हेल्प ऑफ ए लेंस और ए प्लेन मिरर्स। इसको हम लोग वो लैब में परफॉर्म करके इसका डेटा लेंगे और उसको टेबलेट करेंगे।